हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के जिज्ञासा सेशन में जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स विच रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इन द प्रीवियस वीक दैट इज फ्रॉम फर्स्ट टिल सेवेंथ मार्च सो मार्च के फर्स्ट वीक के इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स इश्यूज आज के जिज्ञासा सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन से फाइव टॉपिक्स आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोलर सिल्क रोड की इसके बाद वी विल टॉक अबाउट एन इंडिजिनस वेराइटी ऑफ राइस दैट इज रेड राइस रेड राइस के बाद हम स्पेस हरिकेन जो एक टर्म्स रिसेंटली न्यूज में देखी गई है इस टर्म के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट मेरी टाइम इंडिया समिट ऑफ 2021 एंड फाइनली द स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन आवर कंट्री वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो सो सबसे पहले जो हमारा आज के दिन का टॉपिक है आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू पोलर सिल्क रोड पोलर सिल्क रोड के रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट हमें दी गई है और यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है सो फर्स्ट स्टेटमेंट सर इट इज अ प्रपोज ट्रेड रूट विच कनेक्ट एटलांटिक एंड पैसेफिक्स कटिंग अक्रॉस दर्टिक ओशन सो पोलर सिल्क रोड बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये एक ट्रेड रूट है जो प्रपोज किया गया है टू कनेक्ट द एटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन अक्रॉस द आर्कटिक ओशन यानी कि नॉर्दर्न पोल की तरफ से होते हुए हम लोग एटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट इज द इनिशिएटिव इज प्रपोज बाई चाइना विच इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल सो सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि चाइना की तरफ से ये प्रपोजल लाया गया है और चाइना आर्कटिक काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है सो इफ़ वी टॉक अबाउट बोथ द स्टेटमेंट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्यूरेट फर्स्ट स्टेटमेंट में बिल्कुल सही बताया गया है कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए आर्कटिक ओशन की तरफ से यानी आर्कटिक सर्कल के नॉर्दर्न साइड से हम लोग इस ट्रेड रूट को डेवलप करेंगे और इसको हमने नाम दिया है पोलर सिल्क रोड लेकिन ये जो पोलर सिल्क रोड है इसको चाइना ने ही प्रपोज किया है लेकिन चाइना इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल चाइना इज एन ऑब्जर्वर और ऑब्जर्विंग मेंबर जस्ट लाइक इंडिया फॉर द आर्कटिक काउंसिल सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए सो फटाफट पहले देखिए कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं चाइना ने अपने फोर्टींथ फाइव ईयर प्लान में फोर्टीन फाइव ईयर प्लान चाइना का 2021 से 2025 तक चलने वाला है और ये जो चाइनीज गवर्नमेंट का प्लान है इस प्लान के अंदर चाइना ने प्रपोजल दिया है दैट वी शुड डेवलप अ पोलर सिल्क रोड दैट इज चाइनीज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप अ ट्रेड रूट आर्टिक ओशन अक्रॉस दॉर्थ पोल इन ऑर्डर टू कनेक्ट दाइना का जो लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव है और चाइना ने अपने के साथ इस पोलर सिल्क रोड को भी कनेक्ट करने का इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया है राइट सो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर सिल्क रोड की दिस इज अ प्रोपोज ट्रेड रूट विच विल कनेक्ट एटलांटिक एंड पैसेफिक्रॉस दर्टिक ओशन तो एटलांटिक पैसिफिक क्वेश्चन जाने के लिए जो रूट है वो हमारा आर्कटिक क्वेश्चन के थ्रू होकर भी जा सकता है कन्वेंशनली अगर आप आर्टिक सॉरी पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन तक जाना चाहते हैं तो या तो आपको पैनोमा कैनाल को क्रॉस करना पड़ता है या फिर नॉर्थ या साउथ अमेरिका के uh, को क्रॉस करके आप अटलांटिक ओशन तक पहुंचेंगे फ्रॉम पैसिफिक ओशन अदरवाइज यू कैन टेक द रूट थ्रू द इंडियन ओशन एंड स्वेस कैनाल एंड यू कैन कनेक्ट अगेन दी एटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशनस लेकिन ये जो दोनों रूट्स हैं काफ़ी लॉन्ग रूट्स हैं और चाइना का कहना है कि अगर हम आर्टिक ओशन की तरफ से अपनी मेरी टाइम नेविगेशन कर लें तो वहाँ पर

ओवर दी एशियन कॉन्टिनेंट एंड इन दर वर्ल्ड बिकॉज चाइना इज एन एमर्जिंग सुपर पावर और इसमें चाइना अपनी नेबल सुप्रमसी को नेबल हेजमनी को भी इंक्रीज करना चाहता है चाइना अपने ट्रेड के लिए जो ट्रेड या ट्रांसपोर्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट रूट्स को डेवलप कर रहा है और उसी रूट्स के अंदर से एक आपका रूट है विच इज योर पोलर सिल्क रूट

नेविगेशन करना इस ओशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग वी ऑल नो दैट आइस कवर ओवर द आर्कटिक ओशन इज डिक्लाइनिंग और धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी एक समय ऐसा आने वाला है कि समर सीजन के अलावा विंटर सीजन में भी आर्कटिक ओशन जो है वो कंप्लीटली आइस फ्री रहेगा कोई बर्फ जो है वहां पर डिपॉजिट नहीं होगी और इस टाइम पर नेविगेशन करना आर्कटिक क्वेश्चन के ऊपर से काफी आसान हो जाएगा और यही जो चाइनीज का मकसद है इसी uh, चीज को चाइनीज जो है टैप करना चाहते हैं सो चाइनीज दे वांट टू डेवलप दिस पोलर सिल्क रोड एंड दे वांट टू इंटीग्रेट इट विथ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताकि चाइना और बाकी जो वर्ल्ड के हिस्से हैं चाहे वो यूरोप हो चाहे साउथ एशिया हो चाहे वो अमेरिका हो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हर जगह चाइनीज़ की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहे इसी कारण चाइनीज ने आर्टिक काउंसिल को भी ज्वाइन करने की जो है कोशिश की थी और टू में इसको ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस दिया गया था इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इंटू अ फुल मेंबर येट जस्ट लाइक इंडिया इज एन ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ द आर्टिक काउंसिल चाइना इज ऑल्सो एन ऑब्जर्विंग मेंबर लेकिन चाइना इंडिया बाकी इन सभी कंट्रीज का आर्टिक ओशन में इंटरेस्ट क्या है इंटरेस्ट ये है आर्कटिक ओशन इज अ स्टोर हाउस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स और इसके कारण उन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करने के लिए वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के बीच में आर्कटिक रिसोर्स रेस जो है वो स्टार्ट हो गई है कौन से रिसोर्सेज हैं आर्कटिक ओशन के अंदर आर्कटिक ओशन में आपके नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम के बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व होने के चांसेस जस्ट अलॉन्ग रशियन कोस्ट द साइबेरियन कोस्ट एंड योर नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैनेडा एंड ग्रीनलैंड आपको अच्छे खासे रिजर्व मिलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के और इन रिसोर्सेज को टैप करने के लिए अकॉर्डिंग टू दूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी यूएन क्लॉस आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इस कन्वेंशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आई विल रेकमेंड एक बार ऑनलाइन जाके इस कन्वेंशन के बारे में जरूर पढ़िए हमारे सिलेबस का भी पार्ट है और ये यूएन क्लॉस ही है जो डिसाइड करता है ओशंस के ऊपर किस कंट्री का कितना इकोनॉमिक राइट right है कौन से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने के लिए कौन सी कंट्री अलाउड है ये चीज आपके यू एन में ही जो है डिसाइड होती है सो आर्टिक रिसोर्स रेस इन सभी कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हुई है लेकिन प्राइमरली द फाइव नेशंस विच आर पार्ट ऑफ द आर्टिक काउंसिल विच आर कैनेडा रशिया डेनमार्क नॉर्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन पांचों कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट है लगभग कि आर्टिक ओशन इन कंट्रीज का लेटरल जोन है और यहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट ये कंट्रीज करेंगे लेकिन देर आर अदर कंट्रीज लाइक चाइना इंडिया जिनका कहना है कि आर्कटिक ओशन में जो भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ इन्ही कंट्रीज के द्वारा एक्सप्लॉयट नहीं किए जाने चाहिए फिर शेयरिंग होनी चाहिए इन, इन रिसोर्सेस so, हो, हो या फिर मेथेन हाइड्रेट्स हो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स लाइक फॉस्फेट बॉक्साइड डायमंड आयरन और एंड गोल्ड ये सभी मिनरल्स भी आर्टिक ओशन के कोस्टल एरियाज में या सी बेड में होने के चांसेस हैं बायोटिक रिसोर्स की बात करेंगे तो अगेन चाइनीज अगेन दिस आर्टिक ओशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो वेजिटेशन हो चाहे लैंड फोना हो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हो जो ग्रीनलैंड या साइबेरिया या नॉर्थन कनाडा में हमें देखने को मिलते हैं या फिर सी फूड का रिसोर्स हो डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज एंड वेल्स एंड मरीन एनिमल्स आर फाउंड इन द आर्टिक ओशन फ्लोर इन सभी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना धीरे धीरे पॉसिबल होता जा रहा है जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था क्योंकि लास्ट आइस एज के बाद से ये जो आर्टिक ओशन का रीजन है वो लगभग बर्फ से ढका हुआ रहता था तो ना नेविगेशन करना यहाँ ईजी था ना ही रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना ईजी था लेकिन अब ह्यूमन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना सिबल हो सकता है नियर फ्यूचर में और इसीलिए सारी कंट्रीज अपनी हेजेमोनी को एस्टैब्लिश करने में लगी हुई है क्लियर है अब देखिए बिफोर जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द इंपॉर्टेंट कोर्सेज विच हैज बिन विच हैव लॉन्च लॉन्च्ड बाय सिविल स्टाफ 2022 एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए वी हैव कम अप विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहां पर आपको जीएससीट करंट अफेयर्स एंड योर टेस्ट सीरीज बोथ फॉर फिल्म एंड मीनस विल बी प्रोवाइडेड इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ट्वेंटी फाइव ओनली एंड इफ यू अप्लाई द कोड ऑफ अर्ली टेन यू कैन ऑल्सो गेट अ टेन फ्लैट डिस्काउंट ऑन दिस सो आपको वीडियो लेक्चर्स हैंड आउट्स डाउनलोडेबल नोट्स और डाउट रेजोल्यूशन ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं इस 2022 के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में जो एस्पिरेंट्स अभी 2021 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनके लिए भी 2021 क्रैश कोर्स हैज़ बीन मेड अवेलेबल जो प्रीलिम्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और इसके साथ करंट अफेयर्स डेडिकेटेड हमारी परिश्रम टेस्ट सीरीज भी है जो लास्ट ईयर मे 2020 से लेकर के मे टू तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इशूज को कवर कर रही है और सी सेट मैथ्स इंग्लिश एंड रीजनिंग एबिलिटी को कवर करता हुआ डेडिकेटेड कोर्स भी सिविल स्टैफ ने लॉन्च किया है जो सिक्स थाउजेंड के अफोर्डेबल प्राइसेज में आप लोगों को अवेलेबल है सो so, अगर आप इन कोर्सेज के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवेन बिलो और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस विद द डिटेल्स विच आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेड राइस विच इज ऑल्सो नोन एज बाओ धान सो बाओ धान नोन एज रेड राइस इज एन आयरन रिच वेराइटी ऑफ राइस एंड नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज लोकली ग्रोन इन एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ कहां पे ग्रो किया जा रहा है रे, रेड राइस को आसाम पंजाब गुजरात या महाराष्ट्र एंड हैज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम आसाम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसके कारण हम इस पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ राइस की भी बात कर रहे हैं आपको क्या चीजें पता हूं सबसे पहले कहा ग्रो होता है रेड राइस तो ये ग्रो किया जाता है ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड सो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग है ट्रडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए बावधान को ग्रो किया जा रहा है और खास बात क्या है दिस पर्टिकुलर बावधान हैज एन कल्चरल इंपॉर्टेंस क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली आसाम के अंदर ये जो कलिनरी कल्चर है जो फूड कल्चर है उसमें बावधान काफी इंटीग्रल पार्ट है इसके साथ न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइस की जो दूसरी वेराइटीज हैं चाहे वो वाइट राइस हो चाहे ब्राउन राइस हो उसके कंपेरिजन में न्यूट्रिशनल कंटेंट भी रेड राइस का काफी ज़्यादा अच्छा है आयरन रिच वैरायटी है आयरन रिच होने के साथ साथ जो डिफरेंट काइंड हैं पर्टिकुलर राइस इट बिकम्स वेरी न्यूट्रिशनल राइस अब ये राइस को हम एक्सपोर्ट करने लग रहे हैं कौन सी बॉडी है इस फूड uh, प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल दैट इज योर अपेडा and Processed Food Products Export Development Authority. This is a statutory body. ज बीन एटेब्लिड अंडर दीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी एटी फाइव का जो अपेडा एक्ट है इसके अंदर हमने को किया और अपेडा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक बॉडी के तहत काम करते हुए इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स को या प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है किस तरीके से एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ेगा मैंडेट हमने अपेडा को दिया हुआ है सो डिफरेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्रीज में उन प्रोडक्ट्स का मार्केट डेवलपमेंट करना उन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करना इन दी अदर कंट्रीज एंड जो एक्सपोर्ट हो रहा है इस एक्सपोर्ट को और इजी और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने का काम अपेडा को दिया गया है तो अपेडा ने एक राइस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट प्रमोशन फोरम को स्टेब्लिश किया था अंडर द एजिस ऑफ दिस पर्टिकुलर अपेडा और इसके अंदर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं चाहे वो राइस इंडस्ट्री की कॉरपोरेट्स हों कंपनीज हों हो, एक्सपोर्टिंग कंपनीज हो या फिर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब आसाम तेलंगाना ओडिशा एक्सेट्रा इन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव इस फोरम में शामिल थे और कैसे हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर बात हो रही थी एंड द इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस ऑब्वियसली इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में चाइना और इंडिया दो सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं और इसमें से इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है और कंज्यूम करने के मामले में भी इंडिया जो है सेकेंड नंबर पर आ रहा है चाइना के बाद राइस कंजम्पन के मामले में भी सो ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ टू टू ट्वेंटी नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स दे हैव इंक्रीज अबाउट हंड्रेड एंड फिफ्टीन परसेंट बासमती राइस का एक्सपोर्ट तो एक ट्रेडिशनल इंडिया का एक्सपोर्ट है जो कि यूरोप में या अमेरिका में हम लोग करते आए हैं इसके साथ ही मिडल ईस्ट में भी और अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है बासमती राइस की बट बासमती राइस एरोमेटिक है और खाने में इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा रहती है लेकिन जो रेड राइस या ब्राउन राइस है धीरे धीरे इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स वो जो हैं वो काफ़ी ज्यादा हैं और इसलिए हेल्दी फूड के तौर पर हम इन प्रोडक्ट्स को भी

तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि स्ट्रेटोसफेयर में यानी कि एटमोसफेयर की जो सेकेंड बॉटम लेयर है सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर अपटू हाइट ऑफ अबाउट टेन टू थर्टीन किलोमीटर और वहां से लेकर के अबाउट थर्टी थर्टी फाइव किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो एग्जिस्ट करता है तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर स्पेस हरिकेन की फॉर्मेशन हो रही है ओवर द इक्वेटोरियल रीजन नॉट दिस इज एन इन करेक्ट स्टेटमेंट स्पेस हरिकेन जिस फिनोमिना को हम स्पेस हरिकेन नाम दे रहे हैं दिस फिनोमिना है थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर अर्थ की सरफेस से ग्राउंड से अबाउट 200-300 थ्री किलोमीटर ऊपर जब हम जाते हैं तो जैसा एटमोस्फेयर है वो एटमोस्फेयर के अंदर आपका आयनोस्फेयर बनता है और स्पेस हरिकेन की फॉर्मेशन हो रही है दिस स्पेस हरिकेन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मास

किलोमीटर इन दर एक फॉर्मेशन उसटेलाइट ने कैप्चर की और gases, जो के में हमें पोल्स पे दिखती है वही फिनोमिना हमें स्पाइर के फॉर्म में देखने को मिल रही थी ओवर दी नॉर्थ पोल सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज अ स्पेस हरिकेन तो सबसे पहले समझते हैं स्पेस हरिकेन है क्या चीज दिस इज अ फीचर्स -like क्या है इट इज स्वर्लिंग मास क्वाइट सेंटर एंड अबाउट हंड्रेड एंड ट्वेंटी नॉर्थन हमोस्फेर इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा एक्सट्रीमली हॉट आयोनाइज गैसेज दैट रोटेट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स सो बेसिकली आपको समझना होगा स्ट्रेटोसफेयर के ऊपर हम जब जाते हैं तो मेजोस्फेयर से धीरे धीरे एटमोसफेयर की डेंसिटी काफ़ी कम होने लगती है और जब हम मेजोस्फेयर को क्रॉस करके अबाउट 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊपर हम चले जाते हैं एटमोसफेयर में देन द रेरिटी ऑफ गैसेस इज एक्सट्रीम जो डेंसिटी है गैसेस की वो बहुत कम हो जाती है और जो गैसेस यहाँ पर मिल रही हैं वो भी बहुत लाइट गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन हीलियम और इंडिविजुअल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एट्सट्रा तो ये जो हल्की हल्की गैसेस हैं ये गैसेस सन की तरफ से आने वाली एनर्जाइज रेडिएशन या जो फास्ट चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसको अक्सर हम सोलर विंड का नाम देते हैं इस रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद ये सारी गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं और यही आयोनाइज गैसेस अब इनके पास ज्यादा एनर्जी है इनके पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और ये गैसेस अर्थ के मैग्नेटिक स्फीयर में कंफाइन uh, होके जो अर्थ का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है इसमें कैप्चर होने के बाद नॉर्थ या साउथ पोल के ऊपर इकट्ठा होने लगती हैं प्रोसेस क्लियर हुआ क्या हो रहा है प्रोसेस के अंदर अर्थ का एक मैग्नेटोस्फेयर है यानि कि अर्थ का की तरफ वो रेडिएशन वो चार्ज पार्टिकल्स इस मैग्नेटॉस्फेयर यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं लेकिन कुछ चार्ज पार्टिकल्स कुछ एनर्जी ऑलरेडी सन जो हमारे अर्थ का एटमोस्फेयर है उस एटमोस्फेयर पर पड़ती है और एटमोस्फेयर की जो सबसे ऊपरी लेयर है थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर यहां पाए जाने वाली गैसेस को एनर्जाइज कर देती है उन गैसेस को आयन में कन्वर्ट कर देती है क्लियर हो गया फिर बहुत कम रेडिएशन सन की ऐसी बच जाती है जो फिर मेजोस्फेयर थर्मोस्फेयर को मेजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर को क्रॉस करते हुए सरफेस तक पहुंचती है तो हम हमेशा कहते हैं कि सन से आने वाली रेडिएशन में बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन है हार्मफुल पार्टिकल्स हैं और इसमें से ज़्यादातर पार्टिकल्स मैग्नेटिक अर्थ के फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और जो थोड़ी बहुत हार्मफुल रेडिएशन है लाइक यूवी रेज वो हमारी ओजोन लेयर जैसी गैसेस से ट्रैप होकर वहीं पे रुक जाती है तो ये जो पूरा फंक्शन है वो आपको समझ आना चाहिए द फॉर्मेशन ऑफ आयोनोस्फेर आयोनोस्फेर इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर जिसमें गैसेस सन से आने वाली सोलर विंड के कांटेक्ट में आकर एनर्जाइज हो गई आय में कन्वर्ट हो गई ठीक है तो यही आयोनोस्फेयर पोलर एरियाज में बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग अबब दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये जो गैसेज हैं एनर्जाइज गैसेज हैं वो वहाँ इकट्ठी होती हैं पोल्स के ऊपर और हमें पोलर लाइट्स की फॉर्म में मेंरोरा ऑस्ट्रॉलिस औररा बोरियालिस नॉर्थ और, 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 और साउथ पोल के ऊपर जो पोलर लाइट्स दिख रही हैं उसकी फॉर्म में देखने को मिलती है तो यही जो प्रोसेस है अपर एटमोसफेयर में होता है यही प्रोसेस जब बहुत ज़्यादा डेंसिटी के साथ हो रहा है तब ये एक हरिकेन का फॉर्म ले लेता है हरिकेन का फॉर्म लेने का मतलब है कि बीच में नॉर्थ पोल के ऊपर देर अ लो प्रेशर सेंटर बीइंग क्रिएटेड अर्थ के नॉर्थ पोल पे हाई प्रेशर होता है सरफेस के ऊपर और अगर सरफेस पे आपका हाई प्रेशर है दैट मींस ऑन दी अपर एटमॉस्फेयर देयर इज अ लो प्रेशर और इसी लो प्रेशर की तरफ स्पाइरल सर्कुलेशन इन आयोनाइज गैसेस की होती है जिसको हम बोल रहे हैं स्पेस हरिकेन सो आई होप दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू दैट दिस स्पेस हरिकेन इज बींग फॉर्म्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द सन दीज चार्ज पार्टिकल्स दे आयोनाइज द Air in the upper atmosphere, and after the ionization, these charged particles they gather around the north and south magnetic poles because of the geomagnetic field, and then we call such a phenomena as space hurricane. क्लियर सो so, ये जो स्पेस हरिकेन है इसके बारे में सरफेस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है तो ये चीज़ हमें अगर पता करने की कोशिश करें तो सरफेस पे कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन रेडियो कम्युनिकेशन जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव से हम कम्युनिकेशन करते हैं या सेटेलाइट कम्युनिकेशन है या रेडार डिटेक्शन सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम अपने एटमोसफेयर या अपने अराउंड जो स्पेस है उसको मॉनिटर करते हैं उस पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से अदरवाइज ये चार्ज पार्टिकल्स हमारी अर्थ की सरफेस तक बहुत कम ही पहुंच पाते हैं और लाइफ को नुकसान बहुत कम पहुंचा पाते हैं क्लियर है स्पेस हरिकेन के बाद अब हम बात करते हैं मैरीटाइम इंडिया समिट टू की रिसेंटली समिट को ऑर्गेनाइज किया गया और हमें यहां पे दो स्टेटमेंट दी गई है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करनी है

स सेंटरिंग so, uh, 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 है इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो कोई भी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट नहीं है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू सो दिस पर्टिकुलर मेरी टाइम इंडियाली ऑर्गेनाइज सॉरी वॉज रीसेंटली इनगरेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये जो हमारी समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वॉटर वेज ने अलोंग विथ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स ऑफ फिकी एंड नॉलेज पार्टनर एस ई वाई और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है थ्री डे समिट है इस समिट का फोकस एरिया है टू फर्दर पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया अलोंग दी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन जो हमारी सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है इस कोस्ट लाइन को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं बाई इन्वेस्टिंग अबाउट एट्टी टू बिलियन यू एस डॉलर्स बाई टू थाउजेंड एंड थर्टी फाइव इन पोर्ट प्रोजेक्ट एंड पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ द कोस्टल एरियाज ये जो स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी है पोर्ट लेड डेवलपमेंट की इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इंडिया का हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसका ये विजन है कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है गुजरात से शुरू होकर के वेस्ट बंगाल तक एंड इवन अराउंड अवर आइलैंड्स इस कोस्टल एरिया को हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं कैसे डेवलप करेंगे पोर्ट्स को पोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन करके और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की एफिशिएंसी को बढ़ा करके नए पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करें जो ऑलरेडी पोर्ट्स कंस्ट्रक्टेड हैं उन पोर्ट्स पे एफिशिएंसी इंक्रीज करें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ करें इसके साथ रोड एंड रेल कनेक्टिविटी एंड वाटरवे कनेक्टिविटी यानी कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इनलैंड रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट थ्रू द इंटायर कोस्टल एरियाज इसको और ज़्यादा अच्छा करें क्या होगा इससे फायदा क्या होगा फायदा यह होने वाला है कि अगर हमारे पोर्ट्स बेटर होते हैं और हमारा ट्रांसपोर्ट बेटर हो जाता है टू दीज पोर्ट्स तो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करने में कम खर्चा आएगा बाहर से इंपोर्ट की गई चीजों को पोर्ट से कंट्री के अंदर के हिस्सों में इनलैंड रीजन में लाने में भी हमारा खर्चा कम हो जाएगा और यह काम करने से इंडिया का जो कोस्टल इकोनॉमी है वो ज्यादा तेजी से डेवलप हो सकेगा एंड दिस इज द विजन ऑफ ब्लू इकोनॉमी और ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल पे इस पूरे कोस्ट को हम लोग सोशो इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहते हैं सो so दिस

हमारे जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम की मदद लेकर के सर्च करना हो रेस्क्यू करना हो कई बार हमारे फिशिंग कम्युनिटीज़ की जो बोट्स हैं ट्रॉलर्स हैं वो साइक्लोन्स या थंडर स्टॉम्स की वजह से ओशनस में लॉस्ट हो जाते हैं तो वहाँ से लोगों की रिकवरी है रेस्क्यू है या कोई इनिगल एक्टिविटीज़ हमारे कोस्टल एरियाज़ में चल रही हैं तो उनकी मॉनिटरिंग है उनको चेक करना है या जो इन्वायरमेंट है हमारे कोस्टल एरियाज़ का उसमें कोई पोल्यूशन हो रहा है तो उसको रोकने का काम है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये करने के लिए हमने सागर मंथन को भी लॉन्च कर दिया है इसके साथ हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं सो वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग एक्ट शिप्स एक्ट 2019 इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया के अंदर जो शिप्स की डिसमेंटलिंग होती है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर बाहरी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से भी जो शिप्स हो जाती हैं पुरानी ships हो जाती हैं उन शिप्स को लाया जाता है उनको किया जाता है और उनसे जो मटेरियल निकल रहा है जो भी स्टील है आयरन है डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स हैं उसकी रिसाइकिलिंग की जाती है दिस इज योर इंडियाज शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री और हमने हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि एनवायरमेंटली सेफ शिप डिसमेंटलिंग को प्रमोट करने के लिए बनी है इस कन्वेंशन को रेटिफाई करते हुए हमने रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट को भी लागू कर दिया है आपका होमवर्क है कि रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन को बढ़ाइए कब ये एक्ट पास हुआ इस एक्ट की मेन प्रोविजन्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है इसी के साथ हम शिप रिपेयर क्लस्टर्स डेवलप करेंगे वेल्थ फ्रॉम वेस्ट यानी कि शिप्स को रिसाइकिल करके हम अपनी फॉरन एक्सचेंज को अर्न करेंगे Uh, हम वाटरवेज जो है इनलैंड एंड कोस्टल वाटरवेज जो है इनको डेवलप करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग डेवलप करेंगे कोस्टल एरियाज में अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी बाई ट्वेंटी थर्टी अक्रॉस द इंडियन पोर्ट्स विल बी थ्रू योर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सो ये सारे इनिशिएटिव एंड योर सागरमाला का इनिशिएटिव जो मैंने आपको बताया कि हम रोड एंड रेलवे नेटवर्क को कोस्ट uh, uh, के अराउंड डेवलप करेंगे अलॉन्ग विद पोर्ट्स ऑल दिस इज बिंग डन इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ आर कंट्री राइट सो दिस वॉज

करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें सो so, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश मैंगलोर इन कर्नाटका एंड पडूर ऑल्सो इन कर्नाटका ऑल दीज थ्री आर पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी चंदी खोल इन ओडिशा विल इज अ प्रपोज्ड पेट्रोलियम रिजर्व सेंटर अभी यहां पर चंडीखोल में हम एग्जिस्टिंग रिजर्व नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि चंडीखोल में भी हम एक स्ट्रटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएंगे सो द करेक्ट आंसर इज राइट नाउ ऑप्शन सी ओनली वन टू थ्री दीज ऑप्शन आर करेक्ट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की क्यों बात हो रही है क्योंकि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने और कुछ दूसरी कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक जो कि कुछ एक कार्टेल है इसको कार्टेल बोल सकते हैं उन कंट्रीज का जो कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की प्रोडक्शन करते हैं और उनको एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया ने और कुछ कंट्रीज ने ओपेक को रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप अपनी जो प्रोडक्शन कंट्रोल है उस प्रोडक्शन कंट्रोल को ईज डाउन करो प्रोडक्शन कंट्रोल मीन्स कि जो आप पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर रहे हो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करो ताकि इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल बढ़ जाए और अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और सप्लाई क्रूड ऑयल की ज़्यादा हो जाएगी तो उससे जो प्राइसेज हैं क्रूड ऑयल के वो प्राइसेस कम हो जाएंगे और अगर प्राइसेस कम होंगे तो इंडिया जैसी जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस को कम कर पाएंगे लेकिन ओपेक ने इस रिक्वेस्ट को नहीं माना और ओपेक ने इंडिया को सजेशन दिया है कि देखिए हम अपने जो प्रोडक्शन है जितना कर रहे हैं उतना ही करेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस भी उतना ही रखेंगे लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को यूज़ करिए अपने प्राइसेस को कम करने के लिए और इसीलिए हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या है ह्यूज स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल टू डील विथ एनी क्रूड ऑयल रिलेटेड क्राइसिस लाइक द रिस्क ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर वॉर और अदर कैलामिटीज़ क्योंकि इंडिया अपने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड है ऑन दी अदर कंट्रीज मोस्टली फ्रॉम दी नॉर्थ फ्रॉम दी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज वहाँ से हमारा बहुत सारा क्रूड ऑयल का सप्लाई आता है और अगर किसी वजह से यह सप्लाई आना बंद हो जाए या कम हो जाए तो उसमें इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसलिए इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को डेवलप करना है डेवलप किया है थ्री लोकेशंस ऑलरेडी जो है ऑपरेटेबल हैं विशाखापट्टनम 1.3 मिलियन टन्स मैंगलोर में 1.5 मिलियन टन्स एंड पडूर में 2.5 मिलियन टन्स ये टोटल 5.3 मिलियन टन्स का करंट स्टोरेज है क्रूड ऑयल का इंडिया के पास और ये इंडिया के कुछ हद तक जो हमारी नीड्स हैं पेट्रोलियम की उसको मीट करने का काम करेगा 9.5 डेज़ ऑफ इंडिया की ऑयल जो है, वो अभी हम पूरी कर सकते हैं फ्रॉम आर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एंड इलेवन पॉइंट फाइव सेवन मोर डेज विल बी एडेड विद एडिशन ऑफ टू न्यू रिजर्व दो नए रिजर्व बनाएंगे हम एक बनाएंगे चंडीखोल ओडिशा में फोर मिलियन टन्स का और एक पडोर में ही दूसरा रिजर्व बनाएंगे 2.5 मिलियन टन का जिससे इंडिया की टोटल पेट्रोलियम रिजर्व जो है reserves, ये आप भी अच्छे तरीके समझ सकते हैं कि इंडिया का क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है 83 परसेंट इंडिया का क्रूड ऑयल हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा आता है हमेशा से इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पॉजिटिव में रहा है मतलब कि हम ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं और उसमें हमारा ज़्यादा खर्चा होता है एज़ कम्पेयर टू ची द थिंग्स दैट वी एक्सपोर्ट एंड द फॉरन एक्सचेंज वी अर्न सो देअर फॉर कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट रिमींस और हमें पता है हमारे गवर्नमेंट्स को भी पता है कि कल को कोई प्रॉब्लम आ सकती है चाहे वो वॉर हो चाहे वो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे नेचुरल डिजास्टर हो जाए जिस अगर किसी भी वजह से इंडिया के पास इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल आना बंद हो गया तो इंडिया को एनर्जी क्राइसिस को सहना पड़ सकता है और उससे निपटने के लिए इंडिया ने ये सारे पेट्रोलियम रिजर्व की डेवलपमेंट की है ताकि कुछ कुछ दिन का ली वे, कुछ दिन का 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 ली रूम इंडिया इंडिया को को मिल जाए, अगर कल को इंडिया की आ, पेट्रोलियम की पेट्रोलियम इंपोर्ट्स सप्लाईज जो जो हैं, हैं। हैं वो डिसरप्ट होती क्लियर है? Clear है, सो so फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो, जिग्यासा का सेशन है, इसको हम कंक्लूड करते एंड कल हम मिलेंगे बट तब तक के लिए हिंद